वेलकम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑन सप्लाई कफ सप्लाई कव के अंदर कौन कौन से इफेक्ट रहेंगे सप्लाई कव में कैसे कैसे चेंजेस आता है कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी शिफ्ट इन सप्लाई कव तो शिफ्ट इन सप्लाई कव ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे अदर फैक्टर के वजह से शिफ्ट होता है प्राइस यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन शिफ्ट वो किस तरीके से होगा वो यहाँ हम देखेंगे कि शिफ्ट अदर फैक्टर्स जो है उनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो शिफ्ट कराने में रिस्पॉन्सिबल है और उसका इफेक्ट क्या होगा सप्लाई कब पे जब प्राइस यहाँ पे कॉन्स्टेंट मानी जाती है तो इसका फर्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए इसका फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट है रिलेटेड गुड्स है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और गुड्स उनके अंदर शिफ्ट कैसे होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट में सप्लाई कफ किस तरीके से चेंज होगा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका फर्स्ट का फर्स्ट का क्या एग्ज़ाम्पल है जैसे सपोज करते हैं टी एंड कॉफ़ी है, है यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी है दो प्रोडक्ट है यहाँ पे एक तो टी है दो कमोडिटी है और एक कॉफ़ी है अब यहाँ हम किसको लेके चल रहे हैं अपने सप्लाई कफ के अंदर कॉफ़ी को लेके चल रहे ये एक्स एक्स वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है ये एक्स एक्सेस हो गया ये वाई एक्सेस हो गया और ये प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है हमने देखा था प्रीवियस में कि शिफ्टिंग में प्राइस कांस्टेंट रहती है अदर फैक्टर पॉन्सिबल है तो क्या इफेक्ट रहेगा अदर फैक्टर्स का प्राइस यहाँ पे कॉन्सटेंट है सपोज करते हैं प्राइज़ इस पॉइंट पर है और प्राइज़ यहाँ पर इधर है तो प्राइस जो है वो हम देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा प्राइस का क्या इफेक्ट रहेगा प्राइस यहाँ पे पैरेलल टू एक्सिस है अब यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो कमोडिटी हमारी कॉफ़ी यहाँ पे और क्वांटिटी भी जो है वो कॉफ़ी की है यूनिट्स के अंदर तो कॉफ़ी के अंदर जो कॉफ़ी का प्रोडक्ट है वो किस तरीके से शिफ्ट होगा लेफ़्ट वर्ड होगा या राइट वर्ड होगा वो क्या कारण है लेफ़्ट और राइट शिफ्ट होने का वो इसमें हम बात करेंगे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमने टी और कॉफ़ी का अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ होती है टी की प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो टी की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी और कस्टमर्स अगर टी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे टी को रिप्लेस कर कंज्यूमर कॉफ़ी की तरफ आएंगे, टी को रिप्लेस कर कंज्यूमर क्या करेंगे कॉफ़ी की तरफ आएंगे, तो अगर कंज्यूमर टी की प्राइस इंक्रीज़ होती है और टी की प्राइस इंक्रीज होने के कारण कंज्यूमर कॉफ़ी के कॉफी पर आते हैं यानी कॉफ़ी को खरीदने के लिए आते हैं तो उस समय कॉफ़ी का जो कमोडिटी है वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे किस तरीके से उसका शे, शेप कर्व चेंज होगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये कॉफ़ी की सप्लाई कर्व है एज जीरो uh, ले लेते इसको एस एज uh, वन ले लेते इसको ये एस वन सप्लाई कव कॉफी का है अब यहाँ पे अगर कॉफ़ी का सप्लाई एस वन है और टी प्राई की प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण कस्टमर कॉफ़ी पे आए हैं तो इसका एडवांटेज लेकर यहाँ पे कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो कम कर दी जाएगी कॉफ़ी के फॉर्म के द्वारा इसका रीज़न हम देखते हैं कैसे क्योंकि अगर फर्म उसी प्राइस पे सप्लाई करेगी तो जो फार्म है उसको प्रॉफिट उतना ही मिलेगा लेकिन अगर टी की प्राइस गिरने के कारण कॉफ़ी की प्राइस अगर थोड़ी इंक्रीज़ कर दी जाए तो सप्लाई वो यहाँ पे बढ़ाने में भी उनको अच्छा लगेगा क्यों क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ाएगी वो तो उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जब टी की प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट हम कॉफ़ी को लेकर चल रहे हैं रिलेटेड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर टी अगर टी की प्राइस बढ़ती है इंक्रीज़ होती है तो इसका एडवांटेज जो होगा कॉफ़ी के प्रोड्यूसर्स को कि वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई को डिक्रीज़ कर देंगे इसका रीज़न ये होगा कि जिससे कस्टमर यहाँ पे टी के पास आएगा टी के पास से कॉफ़ी के पास आएगा लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी की वही प्राइस पे वो सप्लाई कम कर देंगे और फिर वो प्राइस को बढ़ा के बाद में सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कॉफ़ी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में पहला एग्जाम्पल हमने बैकवर्ड शिफ्ट का लिया है कि अगर रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होती है जैसे टी की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पे दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी सप्लाई हम क्या कर देंगे डिक्रीज़ कर देंगे इस क्यों क्योंकि अगर हम प्राइस को सप्लाई को डिक्रीज़ कर देंगे उसी एग्जिस्टिंग प्राइस पे प्राइस चेंज नहीं होगी तो यहाँ पे जो डिमांड है उसकी वो और क्रिएट होगी और हम उसका एडवांटेज लेकर एज अ प्रोड्यूसर उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ कर दी जाएगी वहाँ पे जो फर्म है प्रोड्यूसर्स है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा सो राइज इन प्राइस ऑफ टी वुड लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ कॉफ़ी यानी कि अगर रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो हमारे प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ कर देंगे एग्जिस्टिंग प्राइस पे क्यों क्योंकि यहाँ पे जो इसका एडवांटेज क्या है कॉफ़ी के प्रोड्यूसर्स को कि वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो प्राइस है उस पर जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई कम करेंगे जिससे कंज्यूमर कंज्यूमर और उसकी डिमांड क्रिएट करें और फिर बाद में प्राइस को इंक्रीज़ करके उस चीज़ का प्रोडक्ट को <coughs> बेचा जाए जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टेंट रहने का और प्राइस चेंज नहीं होगी तो प्राइस चेंज नहीं होगी और प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा डिमांड आएगी टी की प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण कॉफ़ी की तो यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होगी डिमांड ज़्यादा आएगी तो वो सप्लाई कम भी कर सकते हैं इसी का वाइस वर्सा अगर टी की प्राइस कम होती है टी की प्राइस अगर गिर गई तो यहाँ पे कॉफ़ी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि तो कंज्यूमर अब टी के की टी टी की तरफ जाएगा एस थ्री लो कंज्यूमर अब किसकी तरफ जाएगा टी की तरफ जाएगा टी की प्राइस कम हुई तो टी तो की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो कॉफ़ी की सप्लाई ज़्यादा करेंगे उसी प्राइस पर जिससे कॉफ़ी की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाए और टी की प्राइस अगर गिर गई और कॉफ़ी की सप्लाई रुक कम हो गई तो यहाँ पे सप्लाई को बढ़ाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी बिके उसी प्राइस पर और फार्म को प्रॉफ़िट मिले इसी कारण से यहाँ पे कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो टी की प्राइस जब गिरेगी तो यहाँ पर कॉफ़ी की सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे तो ये तो हो गया हमारा बैकवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट और ये हो गया हमारा राइटवर्ड शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होगी तो यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो यहाँ बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे अगर रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट इसलिए करा जाएगा जिससे उसी प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट बिक सके और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो अगर रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस की प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे सप्लाई कम कर दी जाएगी जिससे कस्टमर उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट कम खरीदे और फिर हम प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा कर सके तो ये दो कारण हैं जो एक तो इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट जिससे हमारा बैकवर्ड शिफ्ट और यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट होता है मार्केट के अंदर तो ये पॉइंट क्या हो गया प्राइस ऑफ़ रिलेटेड गुड्स का जिसके अंदर इस तरीके से एक्सप्लेन है। तो उसका क्या पॉइंट आएगा यहाँ पे हम पॉइंट की बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट आएगा सप्लाई कर्व ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी जो सप्लाई कर्व है कॉफी कॉफी का, coffee का वो शिफ्ट हुआ टू द राइट सबसे पहले राइट की बात कर लेते हैं राइट एस वन टू एस थ्री एस वन से एस थ्री बिकॉज वैन द प्राइज ऑफ वैन प्राइज ऑफ दब्स्टिट्यूट गुड टी डिक्रीजेस और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड पॉइंट यह आएगा कि अगर जो सप्लाई कर्व है वो एस वन से एस टू आई सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी शिफ्ट टू यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट टू दू एच टू वैन प्राइज ऑफ प्राइज ऑफ दब्स्टिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड्स टी इंक्रीजेस टी इंक्रीजेस तो ये पॉइंट इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन सप्लाई का प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट जिसमें रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस या सब्सिडी गुड्स की प्राइस में चेंज होने के कारण हमारे गुड्स के अंदर क्या शिफ्टिंग आती है उसकी सप्लाई में क्या शिफ्टिंग आती है सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें जो सेकेंड पॉइंट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट है टेक्निकल आस्पेक्ट है तो टेक्निकल आस्पेक्ट में किस तरीके से चेंजेस आएंगे टेक्निकल आस्पेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा फैक्टर दूसरा जो है वो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी चेंज इन टेक्नोलॉजी चेंज इन टेक्नोलॉजी से क्या शिफ्ट आएगा तो चेंज इन टेक्नोलॉजी में जो शिफ्ट आएगा वो यहां देख लेते हैं हम ये हो गया हमारा वाई एक्सेस और ये हो गया एक्सएक्सेस ये ओ एक्स पॉइंट और ये ओ वाई पॉइंट यहाँ पे ले लेते प्राइस और यहाँ ले लेते ले ले क्वान्टिटी अब जब प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है प्राइस कॉन्स्टेंट है हमने देखा था शिफ्टिंग में तो प्राइस यहाँ पे कॉन्स्टेंट है अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूवमेंट होती है सबसे पहले पॉइंट है सेकंड का टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूवमेंट होगी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी इम्प्रूव का मतलब ये हो गया कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पे वो फास्ट काम करेगी फास्ट वर्क करेगी इन कंपैरिजन टू ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड मशीन या ओल्ड जो आप टेक्निकल चीज़ यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में तो टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट होता है यानी कि अपडेट होती टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या होती है अपडेट होती है तो टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा जैसे पुरानी मशीन में कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा था खर्चा ज़्यादा आ रहा था पुरानी मशीन में प्रोडक्ट बनाने का लेकिन नई मशीन के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई कम हो गई और सप्लाई की जो प्राइस है वो सेम है प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं है तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया कॉस्ट कम होगी तो यहाँ पे सप्लाई फर्म ज़्यादा करेगी क्यों जैसे फॉर एग्जांपल बीस रुपये का एक प्रोडक्ट बिक रहा था ट्वेल्व रुपीज़ कॉस्ट आ रही थी और फर्म का जो प्रॉफिट था वो था एट रुपीस फर्म का प्रॉफिट था एट रुपीस अब क्या है टेक्नोलॉजी नई यूज़ करी उसमें कॉस्ट फर्म की टेन रुपीस आ रही है और जब प्राइस सेम है कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट अपने आप अप इंक्रीज होगा प्रॉफिट पहले एट था अब कितना हो गया टेन हो गया प्रॉफिट पहले एट था अब टेन हो गया कॉस्ट पहले ट्वेल्व थी अब टेन हो गई कॉस्ट कम हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया और प्रॉफिट यहाँ पे टेन से एट तक एट से टेन तक इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट के इंक्रीज होने से सप्लाई को फॉर्म एग्जिस्टिंग प्राइस पे इंक्रीज करेगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे सप्लाई को इंक्रीज करेगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी को फर्म ने अपडेट करी है तो उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है फॉर्म अच्छी ज़्यादा सप्लाई करती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट का जो पोर्शन होगा वो इंक्रीज़ होगा और जैसे ही प्रॉफिट का पोर्शन इंक्रीज होगा वैसे ही फॉर्म यहाँ पे सप्लाई को और इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे सप्लाई कर्व पहले यहाँ थी एस वन पे और अब एस वन से कहाँ पे आ गई एस टू आ गई इंक्रीज हो गई यहाँ पे इस तरीके से सप्लाई कर्व एस वन से एस टू आ गई पॉइंट था ए और ये पॉइंट है बी तो जो एग्जिस्टिंग प्राइस पर सप्लाई कर्व इंक्रीज होती है वो टेक्नोलॉजी के अंदर क्यों होती है क्योंकि इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका एक रीजन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के कारण यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि प्रॉफिट पोर्शन ज्यादा होता है एग्जिस्टिंग प्राइस पर तो इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर पॉइंट ही आएगा आफ्टर टेक्नोलॉजी आफ्टर टेक्नोलॉजी कल आफ्टर टेक्नोलॉजिकल कल इंप्रूवमेंट यहां टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट रिजल्टेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा डिक्रीज होगा इज रिड्यूस देन एंड इन सप्लाईड एट सेम प्राइस सेम प्राइस पे सप्लाई करेंगे इन सप्लाईड एट सेम प्राइस यहाँ पे क्या होगा इट इज अचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई यानी कि सप्लाई इंक्रीज होगी सेम प्राइस पे क्यों टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा हो रहा है सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ये पॉइंट इसका चेंज इन टेक्नोलॉजी का आ जाएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बात करी है फर्स्ट पॉइंट बात करी हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड सेकेंड पॉइंट हमने बात करी यहाँ पे प्राइज़ ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे चेंजेस आएगा तो यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज़ होगी थर्ड फैक्टर है चेंज इन इनपुट प्राइस इनपुट यानी कि जो आपने आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट लिया है रॉ मटेरियल के फॉर्म में या जो भी इनपुट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो सारे उन इनपुट की जो प्राइस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्राइस या तो इंक्रीज होगी इनपुट की या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी तो उस केस के अंदर सप्लाई का कब एग्जिस्टिंग प्राइस पे कैसे इफेक्ट होगा कैसे शिफ्ट होगा वो देख लेते हैं ये हो गया हमारा वाई एक्सिस ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस इसको हम ले लेंगे प्राइस और यहाँ पे ले लेंगे हम क्वांटिटी, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी। अब यहाँ पे सप्लाई कव का किस तरीके से चेंज हो प्राइस यहाँ पे सेम है पैरेलल टू एक्स एक्सेस और एस वन हमारा ये दे रखा है एस वन पॉइंट ये है अब अगर इनपुट की प्राइस या तो इंक्रीज़ होगी इनपुट की जो प्राइस है अगर इंक्रीज़ हो गई इनपुट जो है हमारा जो हम इनपुट लगा रहे हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं या जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनकी प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है यानी कि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई और जैसे ही कॉस्ट इंक्रीज़ होगी या कॉस्ट डिक्रीज होगी दो ही बात है कॉस्ट इंक्रीज होगी प्राइस सेम है फॉर एग्जाम्पल प्राइस हंड्रेड है और कॉस्ट यहाँ पे पहले सेवेंटी थी अब सेवेंटी से इंक्रीज़ होके कितनी होगी एट्टी हो गई यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया फॉर्म पहले सेवेंटी पे कितना अर्न कर रही थी प्रॉफिट जो है वो थर्टी रुपीज़ अर्न कर रही थी सेलिंग प्राइस हंड्रेड है तो कॉस्ट सेवेंटी है तो प्रॉफिट थर्टी होगा अब कॉस्ट एटी हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है सेलिंग प्राइस हंड्रेड रखनी है प्राइस फिक्स है यहाँ पे और मार्केट के अंदर प्राइस कांस्टेंट है लेकिन कॉस्ट सेवेंटी थी एटी होगी और प्रॉफिट थर्टी से ट्वेंटी हो गया तो यानी कि प्रॉफिट उनका कम हो गया कम प्रॉफिट में फर्म सप्लाई कम करती है सप्लाई को शिफ्ट करके डिक्रीज़ पे ले आएगी यानी कि जो फर्म की जो सप्लाई है वो एस वन से एस टू आ जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है तो इनपुट की प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है तो फर्म सप्लाई लेस करती है कमोडिटी की एग्जिस्टिंग प्राइस पर और इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम फर्म ने हंड्रेड रुपीज यहाँ पे ही है और कॉस्ट अब पहले एटी थी अब सेवेंटी हो गई और प्रॉफिट पहले एटी पर ट्वेंटी रुपीज था अब प्रॉफिट थर्टी हो गया तो फर्म सप्लाई को इंक्रीज करेगी यहाँ पे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया इनपुट की प्राइस कम होगी तो फर्म यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रही है पहले प्रॉफिट ट्वेंटी रुपीज मिलता था और अब प्रॉफिट थर्टी रुपीज़ मिल रहा है तो इस केस के अंदर के फर्म सप्लाई को शिफ्ट करेगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे इंक्रीज़ की तरफ एस वन से एस थ्री पे ले आएगी तो यहाँ पे दो पॉइंट शो हो रहा है एक तो इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ इंक्रीज़ में क्या हो रहा है इंक्रीज़ में ये हो रहा है इनपुट की प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो फर्म यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज़ करेगी क्योंकि फर्म का प्रॉफिट कम होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले आएगी अगर फॉर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा इस केस में फॉर्म सप्लाई को ए पॉइंट से सी पॉइंट पर ले आएगी यानी कि इंक्रीज करेगी एग्जिस्टिंग प्राइस पर तो चेंज इन इनपुट प्राइस इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है सो so, अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग क्या है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई लेस यहां पे सप्लाई कम करेंगे सप्लाई लेस ऑफ द कमोडिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस एग्जिस्टिंग प्राइस पर वैन कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस यानी कि जो कॉस्ट है बनाने का इनपुट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो गया एंड प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई मोर ऑफ कमोडिटी यहाँ पे कमोडिटी की सप्लाई कब ज्यादा करेगी कमोडिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस उसी प्राइस पर वैन कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीजेस अगर इनपुट की कॉस्ट डिक्रीज हुई तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो ये है चेंज इन इनपुट प्राइस अगर इनपुट की प्राइस चेंज होती है तो ये इफेक्ट यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी और सब्सिडी की बात कर लेते हैं कि जीएसटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है जैसे टैक्स हो गया फॉर एग्जाम्पल तो एंड जी एस टी एंड सप्लाई कर्व जी एस टी का सप्लाई कर्व पे क्या रिलेशन पड़ेगा वाई एक्सए ले, ले लेंगे हम एक्स एक्सए ले लेंगे ओ एक्स पॉइंट ओ वाई पॉइंट ओ वाई पे हमारा प्राइस हो जाएगा ओ एक्स पे हमारी क्वांटिटी हो जाएगी अब यहाँ पे सपोज करते हैं जी एस टी यानी कि टैक्स इंक्रीज हो रहा है प्राइस एक्जिस्टिंग वही है प्राइस पैरेलल टू एक्स एक्सेस यानी कि प्राइस फिक्स है प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है अब जीएसटी यानी कि टैक्स कंपनी ज़्यादा दे रही पहले आ, प्राइस यहाँ पे फिक्स है 200 सपोज करते हैं फॉर्म पहले 150 की कॉस्ट थी और फिफ्टी रुपीज़ अर्न कर रही थी कॉस्ट कितनी है 150 और प्रॉफिट कितना है फॉर्म का फिफ्टी और दोनों मिला के फर्म की सेल सप्लाई कितनी है सेलिंग प्राइस कितनी है टू हंड्रेड यहाँ पर टैक्स और अब लगने लग गया प्राइस सेम है प्राइस में कोई चेंज नहीं है टू हंड्रेड ही है फर्म यहाँ पर टैक्स दे रही वन फिफ्टी था पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्वेंटी रुपीज़ यहाँ पर टैक्स का एडिशन हो गया अब यहाँ पर कॉस्ट हो गई वन सेवनटी जैसे ही कॉस्ट वन सेवेंटी हुई फर्म का जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट हो गई फर्म का जो प्रॉफिट है वो थर्टी रुपीज़ हो गया अपने आप ही क्योंकि सेलिंग प्राइस टू हंड्रेड है अब फर्म का सेलिंग प्राइस 200 है कॉस्ट 170 हो गई, पहले 150 फिफ्टी थी ट्वेंटी रुपीज़ यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड हो गया प्रॉफिट पोर्शन क्या हो गया कम हो गया जैसे ही टैक्स इंक्रीज़ होगा या जैसे ही कोई सा भी इंडायरेक्ट टैक्स या इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इम्फेक्ट होगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले कम था अब इंक्रीज होगा तो उस केस में फर्म क्या करती है सप्लाई को कम कर देती है क्योंकि प्रॉफिट पोर्शन फर्म का पहले 50 था और प्रॉफिट पोर्शन कम हो गया जैसे ही टैक्स इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने में प्रॉफिट का जो पोर्शन है कंपनी का वो यहाँ पे कम हो जाएगा तो उस केस के अंदर सप्लाई का कैसे इफेक्ट होगा बैकवर्ड चल जाएगा एस वन से एस टू यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाएगा तो टैक्स इंक्रीज होने के कारण क्या होता है सप्लाई कर्व एग्जिस्टिंग प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सो एग्जिस्टिंग पॉइंट पे एग्जिस्टिंग प्राइस पे अगर प्राइस हम बढ़ा नहीं सकते और हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो यहाँ पे सप्लाई हम डिक्रीज कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा अब यहाँ पे सप्लाई इस केस में इंक्रीज़ कब कर सकता है एक ही कंडीशन है इंक्रीज़ करने की कि फर्म ने टैक्स भी ज़्यादा दे रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो उनको प्राइस को बढ़ानी पड़ेगी ये ही एक, एक इसका जो रस्ता है कि सप्लाई इंक्रीज़ करने का कि अगर प्राइस को बढ़ा देगी तो फर्म की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और फर्म टैक्स को देने के बाद भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसी पॉइंट पे कर पाएगी जितना पहले कर रही थी सो so, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सप्लाई की डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी तो पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे इसका पॉइंट ये आएगा कि अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अ प्रोड्यूसर वुड बी विलिंग टू सेल यहां पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे विलिंग टू सेल द एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ओनली इफ ओनली एट हायर प्राइस हायर प्राइस पे सेल करेगी तो इस कारण से उनका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा सो प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल Uh, the existing quantity only at higher price when the cost of production increases cost of production agar increase over then resulted increase in tax. टैक्स इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे हाइयर प्राइस पे ही सेल करना चाहेगी नहीं तो यहाँ पे क्या करेगी सप्लाई को कम कर देगी एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस कॉन्स्टेंट प्राइस पे क्या करेगी एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस डिक्रीज अ सप्लाई फॉर्म क्या करेगी सप्लाई को डिक्रीज कर देगी प्राइस फॉर प्रोड्यूसर विल ड्रीज डिक्रीज इन सप्लाई कव प्रोड्यूसर सप्लाई कव में डिक्रीज कर देंगे ये इसके अंदर बता रखा है इफेक्ट ऑन तो हमने बात कर ली इसी तरीके से इफेक्ट ऑन और एक और इफ़ेक्ट है यहाँ पे सब्सिडी का उसमें प्राइस इंक्रीज़ सप्लाई इंक्रीज़ होगी क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट से यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी गवर्नमेंट से एक बेनिफिट होता है जो मिलता है प्रोड्यूसर्स को जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करता है प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होता है तो सब्सिडी के अंदर कर्व जो है वो सप्लाई का राइट वार शिफ्ट होगा इंक्रीज़ होगा तो ये फैक्ट बता रखे मेजर मेजर जो हमने पढ़े फोर पॉइंट्स पढ़े फैक्ट के फर्स्ट हमने रिलेटेड प्रोडक्ट के पढ़े सेकेंड टेक्नोलॉजी पढ़ा हमने थर्ड चेंज इन इनपुट प्राइस एंड फोर्थ हमने आज बात करी है जी एस एंड सप्लाई कफ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्राइज इलासिटी ऑफ सप्लाई कि प्राइस इलासिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्या है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम यहाँ डन करेंगे थैंक यू